गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास समझ लिया दोस्तों। अब हम सेंटर ऑफ मास के अंदर थोड़ा नजदीक जाने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास को हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी सही मायने में थियोरिटिकल मेथड कौन सी थी। तो आप सबको याद ही होगा उसका पूरा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, RCM। चलो याद करो दोस्तों क्या था फॉर्मूला, RCM is equal to M1R1 plus M2R2 up to MnRn upon M1 plus M2 up to Mn। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं दोस्तों। अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने ऐसा एज्यूम कर दिया कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अंदर वाले पोर्शन यानी उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनके मास को मैं डेल्टा एम वन डेल्टा एम टू डेल्टा एम एन से डिफाइन कर दू। यही ऑब्जेक्ट को मैंने कार्टेशियन यानी हमने जो बोला था वो एक्सिस पे रख दिया है, तो ओरिजिन से उनका कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो वही चीज को समझना है। तो पहले ये RCM को मैं कैपिटल लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, जो याद रह जाए। इसको आप सब जानते हो कि मैंने ऐसे सिखाया था, लंबा इक्वेशन नहीं लिखना है तो सिग्मा अप्लाई करना सिखा था, सिग्मा MIRI अपॉन सिग्मा MI। अब दोस्तों M की जगह पे यहां पे डेल्टा यानी बहुत ही स्मॉल छोटा सा पार्टिकल है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो RCM ध्यान से देखना दोस्तों, ये सिग्मा वैसा का वैसा डेल्टा MI RI। M की जगह हमने छोटा सा पार्टिकल है इसलिए डेल्टा M लिखा है, बिल्कुल वैसे यहां भी सिग्मा डेल्टा MI। दोस्तों ये RCM को हम कुछ नहीं करेंगे, यही चीज को समझना था। तो मैं इंटीग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट आपको याद करवा दूं जो हमने पहले डिस्कस की है। तो क्या था सर, डेल्टा एम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मास डेरिवेशन ऑफ मास यानी डीएम से, और जो ये हमारा सिग्मा है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ये दो सिंबल को चेंज करेंगे, पैटर्न कुछ नहीं मिलेगी। तो अब हमारा फॉर्मूला देना, RCM इज इक्वल टू जहां जहां सिग्मा वहां वहां इंटीग्रेशन, नीचे आएगा डीएम, यहां पे आएगा डीएम, ये हमने वेक्टर आर लिख दिया। ये देखने के बाद तुरंत ही मेरे को एक आइडिया आया कि सर हम इसको जानते हैं, याद करो दोस्तों इसको हमने लास्ट लेक्चर में ही बोला था, कैपिटल एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला दोस्तों, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारा इक्वेशन अब क्या आ रहा है, इसकी जगह हम कैपिटल एम लिख दे, इसको बाहर निकाल दे यानी वन अपॉन आर इंटीग्रेशन आर डी एम। दोस्तों ये आर वाला कॉन्सेप्ट हुआ, यही चीज को एक्स वाई जेड से डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स सी एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम इंटीग्रेशन एक्स डी एम, बिल्कुल वैसे वाई सी एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम इंटीग्रेशन वाई डी एम। चलो खुद ट्राई करो, z के लिए लिखना होगा तो zcm इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन zdm। आपको लगे सर ये थियोरेटिकल मेथड हमारे किस काम आ सकती है, आप कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। सर उसके लिए तो एक काम करो दोस्तों, मैं अभी लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, लीनियर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने एक्स एक्सिस पे, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे एक पतला सा रोड रख दिया है, वेरी थीन रोड पुट इन एक्स एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस पे पतला सा रोड रख दिया जिसकी लेंथ एल और जिसका मास एम है। तो दोस्तों पहले ये सीखो सिंबल, लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। रिपीट दोस्तों, लैम्बडा का मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट, रिपीट दोस्तों, लैम्बडा मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट, लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हम जो छोटा सा पार्टिकल सोच रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा पार्टिकल हमने अभी एज्यूम कर दिया उसका मास छोटा सा पार्टिकल है तो मास डीएम होगा,
उसने डिस्टेंस कितना कवर किया वो dx होगा। ये हमने क्यों देखना है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप मास फाइंड करोगे तो आपको ये दोनों पहले देखने होंगे। क्यों देखा? क्योंकि इसके हिसाब से हमें dm मिल जाएगा, dm इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डिस्टेंस। सर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो दोस्तों dm आ जाओ, ये लैम्बडा की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दो, m इंटू एल रैम बाय एल इंटू dx। दोस्तों हो सके तो प्लीज 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 ये फॉर्मूला याद ही रख लो, ये आपको बहुत ही MCQs में काम में आने वाला है। ये जैसे ही हमें फॉर्मूला मिल जाएगा हम आगे जाने वाले और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट समझेंगे कि दोस्तों ये हमने कौन से एक्सिस पे पुट किया था, एक्स एक्सिस पे। तो क्या था फॉर्मूला, चलो आपको याद होना चाहिए, xcm इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन xdm। सर xcm वैसा का वैसा, 1 अपॉन m वैसा का वैसा, दोस्तों x वैसा का वैसा, dm की जगह हमारे पास बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आ गया है m बाय l इंटू dx। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज बोलूं, इसकी टोटल लिमिट देखो, ये ओरिजिन से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो रहा है, यानी जीरो से एल। ये करने से क्या हुआ कि आप देख सकते हो mm कट हो गया, सो xcm इज इक्वल टू ये कैपिटल एल बार इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, लिमिट दोस्तों जीरो टू एल। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप सब जानते हो, इंटीग्रेशन एक्स का मतलब अभी एक्स की कितनी पावर है, वन। क्या सिखाया था फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद करो, चलो दोस्तों फटाफट रेडी हो जाओ, एक पावर बढ़ेगी, रिपीट दोस्तों एक पावर बढ़ेगी, जो पावर बढ़ी वो नीचे आएगी, इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया एक्स सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एल अपर लिमिट, यानी यहां पे पहले एल पुट करो, ये माइनस जीरो पर जीरो नहीं रखोगे तो चलेगा, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, एक एल कट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया एक्स सी एम इज इक्वल टू एल बाय टू। इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखो कि सेंटर ऑफ मास की जगह ये हमारा सेंटर मिला, तो सेंटर ऑलमोस्ट ऑलवेज ये हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा, कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मिड पॉइंट यहीं पे होने वाला है। ये एमसीक्यू में कैसे आएगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास जो रोड है उसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो बात खत्म हो गया, 100 बाय 2 यानी सेंटर ऑफ मास उसका 50 सेंटीमीटर। तो थ्योरम तो सीखो दोस्तों, उसके साथ साथ एमसीक्यूज में जाना है, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसका मिड पॉइंट ही होता है, उसके सेंटर में ही होता है, इसलिए तो उसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, रोड वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे।